नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ सुमन पाल। खबर पौड़ी से है। पौड़ी जिले में एक शिक्षिका का बेरहमी से एक छात्रा को पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। शिक्षा विभाग ने वीडियो की पुष्टि करते हुए वीडियो को पौड़ी जिले के ही देवला पोखाल क्षेत्र का बताया है, जहाँ गुरु राम राय इंटर कॉलेज के हाल ही में लगे NSS शिविर के दौरान एक छात्रा की स्कूल शिक्षिका ने बेरहमी से पिटाई कर डाली। और पहले तो शिक्षिका ने छात्रा पर काफी थप्पड़ बरसाए, वहीं इसके बाद छात्रा का गला तक शिक्षिका ने दबा डाला। शिक्षिका ने छात्रा की पिटाई इसलिए कर डाली कि छात्रा ने पानी ना होने पर झूठे बर्तन में ही धोए, फिर इसके बाद अपना आपा खो चुकी थी और शिक्षिका छात्रा को बेरहमी से ही पीटने लगी और किसी तरह छात्रा शिक्षिका के चंगुल से छूट पाई। वहीं अब मामले का संज्ञान जिला शिक्षा अधिकारी ने इस प्रकरण पर जांच बैठा दी है और जिससे शिक्षिका पर कार्रवाई हो सके। यहाँ पर ये घटना घटित हुई है, वो गुरु राम राय इंटर कॉलेज देवला पोखाल है। हमने खंड शिक्षा अधिकारी दुगड्डा को निर्देशित कर दिया है कि वो उसकी जांच स्थलीय जांच कर जांच आख्या हमें सुपुर्द करें। आज हमने फिर टेलीफोनिक उनसे बात किया तो वो ये कह रहे हैं कि उन संबंधित अध्यापिका को बुलाया गया है और उसको जो आरोप है मारने का बच्चों को, वो लिखित रूप में उससे पूछा भी गया है और उसको कार्यालय में बुलाया गया है। अभी आज की स्थिति है कि अभी तक आज तक वो विद्यालय में अभी कार्यस्थल पे आई नहीं है। 15 तक छुट्टियां चल रही हैं, संभवतः वो छुट्टी के बाद आएगी, किंतु हमने उनको ये कह दिया है कि उसे संपर्क करें उस शिक्षिका से। तो आपको पौड़ी से खबर बता रहे हैं जहां पर शिक्षिका ने छात्रा को पीटा है, जानकारी सामने आई है, जिसके बाद बताया जा रहा है कि छात्रा की पिटाई बेरहमी से की गई है। आपको ये भी जानकारी दे दे, पीटने का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खबर उत्तरकाशी जनपद के विकास खंड मोरी ग्राम मैनोल से है, जहां स्थानीय मंदिर सालरा में देव दर्शन करने गए SC वर्ग के युवक को 5 सामान्य वर्ग के लोगों ने मंदिर में बंद कर दिया और रात भर जलती लकड़ी से ही उसे जलाते रहे। बता दें आपको कि पीड़ित के कपड़े फाड़े और पूरा शरीर आग से जला दिया। पीड़ित तड़पड़ता रहा और इसके साथ ही बेहोश हो गया और सुबह होने पर युवक की मंदिर प्रांगण में लाकर जलाना चाह रहे थे, लेकिन पीड़ित घटनास्थल से भागने में सफल रहा। पीड़ित ने थाना मोरी में FIR की, किंतु FIR ना होने पर पीड़ित परिवार ने SP उत्तरकाशी से संपर्क किया गया है और SP उत्तरकाशी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए FIR के आदेश SO मारी को दिए हैं। मामले में FIR दर्ज कर दी गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ उत्तरकाशी से हमारे सहयोगी सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति युवक की एक पिटाई की गई है, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो ये युवक था, ये एक मोरी सांकरी ग्राम सावर का एक युवक था, जो यहाँ पर मंदिर में दर्शन करने के लिए जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ की कुछ 5 युवा थे जो उच्च कास्ट के थे, उन्होंने यहाँ पर इसके साथ यहाँ पर बहुत बड़ी दुर्घटना की और इसे रात भर 2-3 दिन तक इसे मंदिर में बंद किया और कमरे में बंद करके इसे जो लकड़ी होती है जलाकर उससे इसकी काफी पिटाई की गई। और जैसे ही इसे होश आता है ये वहां से अपना सूझबूझ करके वहां से निकल भाग जाता है और मोरी थाने में अपना FIR दर्ज करता है। और FIR दर्ज वहां मोरी थाने में इसे नहीं सुनाया जाते तो इसकी जो परिजनों को जैसे इस घटने के मामले में जानकारी मिलती है तो ये SP उत्तरकाशी अपन विद्वंसी को इस मामले की जानकारी देते हैं और SP अपन एजेंसी का साफ तौर पर ये कहना है कि हम इस पर पूरी जांच करेंगे और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की वो करेंगे। जी बिल्कुल सुमित, ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इसको लेकर पुलिस प्रशासन कितना सख्त नजर आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बाद लगातार ऐसे घटनाएं जो है मंदिर में प्रवेश करने को लेकर सामने आती है, तो इसको लेकर कोई कार्रवाई हो जाएगी? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जो ये घटना है एक इसने सारे क्षेत्र को एक हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि सब हॉल में है कि अगर ऐसी घटना दिख रही है तो पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर SC Act के तहत यहाँ इन पर कार्रवाई
करने की मांग कर दी गई है और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है। जी जी सुमित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो उत्तरकाशी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मंदिर में ही प्रवेश करने को लेकर एक युवक की पिटाई कर दी गई है और ये जानकारी सामने आई है कि युवक अनुसूचित जाति का था, जिसको लेकर जो पिटाई है वो युवक की गई है। फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई रहती है ये देखने वाली बात रहेगी। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से ऋषिकेश में भी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाएगा और इस अभियान के तहत पुलिस सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से ही शहर में ट्रैफिक नियमों की जानकारी देकर लोगों को जागरूक करेगी। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस चालान काट जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई में अमल में लाएगी। और आपको बता दें कि आज से 17 जनवरी तक प्रतिदिन अलग अलग तरीके से लोगों को जागरूक करने के प्रयास पुलिस करेगी। और इस संबंध में SP देहात कमलेश उपाध्याय ने ऋषिकेश कोतवाली में अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर उनको दिशा निर्देश जारी कर दिया है और पुलिस का मानना है कि जन जागरूकता से ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है और इसलिए सड़क और राजमार्ग परिवहन मंत्रालय द्वारा हर साल 11 से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। 33वां सड़क सुरक्षा सप्ताह का आरंभ हुआ है और इसमें हमारा प्रयास दो पॉइंट्स पे रहेगा कि लोगों को अवेयर करना ताकि हम सड़क दुर्घटनाओं में कमी ला सकें और थोड़ा सा हमारा जो इन्फोर्समेंट लेवल है उसे बढ़ाना। और जहाँ तक इन्फोर्समेंट लेवल बढ़ाने की बात है, इसमें हम दो तरह से कार्रवाई करेंगे। एक तो जो सड़क के जो नियम हैं उनका पालन कर रहे हैं हम उनको अप्रिसिएट करेंगे और दूसरा जो सड़क के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं हम उनके विरुद्ध उसमें कार्रवाई करेंगे। तो ये दोनों मैक्सिमम होगा और इसके साइड बाय साइड हमारा अवेयरनेस चलता रहेगा। उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम चौपाल लगाएं, नुक्कड़ नाटक करें और साथ में हम लोगों का एक उनको जागृत कर सकें, बता सकें कि भाई कितने इम्पोर्टेंट है सड़क नियम। क्योंकि जहाँ तक अगर हम डेटा पे देखें तो जितनी आजकल जो एक्सीडेंटल डेथ्स हो रही हैं उसमें काफ़ी इंक्रीज हुआ है, तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी है कि हम उसे कमी ला सकें। और इसी खबर पर हमारे साथ संजय शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, जिस तरह से मामला सामने आया कि शहरों में लोगों को जागरूक कर रही है पुलिस और इसके साथ ही ट्रैफिक नियमों को लेकर भी लगातार सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत अब कई कार्यक्रम भी किए जाएंगे, इसका कितना असर देखने को मिलेगा और क्या कुछ इस खास कार्यक्रम में रहने वाला है? यहाँ पर जो है जो ट्रैफिक है जो देहात है उन्होंने जो है यहाँ पर आके मीटिंग करी, जितने ऑटो वाले विक्रम वाले इन लोगों से भी उनको उन्होंने मीटिंग करी और उनको सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में बताया। साथ ही जगह जगह उन्होंने होल्डिंग और बैनर भी लगाए और साथ ही नुक्कड़ नाटक और स्कूलों में जाके इस तरह की गोष्ठी की जिसमें कि बच्चों को भी और लोगों को इस बात के लिए अवेयर किया जाए कि सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है जिसमें इस सड़क के नियमों के बारे में बताया जा रहा है, साथ ही जो दुर्घटना हुई है उनको रोका जा सके, उनको कम किया जा सके। जी संजय, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाएगा कार्यक्रम के तहत, उसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ जी, जैसे नुक्कड़ नाटक होंगे, जगह जगह नुक्कड़ नाटक करेंगे, उसमें बताया जाएगा कि मैं ऐसे ऐसे जा रहा था, मेरा बच्चा बिना हेलमेट के जा रहा था या बिना सीट बेल्ट के जा रहा था, उस तरह की एक कहानी बनाकर लोगों को समझाया जाएगा। साथ ही स्कूलों में जो छोटे बच्चे हैं उनको मना किया जाएगा कि आप बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलाएंगे, अगर जिनके पास लाइसेंस है वो हेलमेट जरूर लगाएं और दोनों सवारी को हेलमेट लगाना है। इस तरह की जो छोटी छोटी बातें जिनकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं, आप स्पीड से नहीं चलेंगे, आप नियमों का पालन करके चलेंगे, इस तरह की बातें लोगों को बताना है, बच्चों को बताना है और जिसकी वजह से जो आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं उससे थोड़ा सा उसमें कमी आएगी, उसमें लोगों को थोड़ा राहत मिलेगी, बचाव होगा, यही बात लोगों को समझाने वाली है। जी संजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस की विवेचनाओं में लेट लतीफी से SP देहात कमलेश उपाध्याय नाराज हैं। समीक्षा बैठक कर विवेचनाओं में देरी होने पर नाराजगी जताते हुए SP ने दरोगाओं को फटकार लगाई है और समय सीमा निर्धारित करते हुए जल्द से जल्द विवेचनाओं का पूर्ण करने की निर्देश भी दिए हैं। चेतावनी भी दी है, यदि समय सीमा में लंबित विवेचनाएं पूरी नहीं की गई तो उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने में
संस्कृति एसएसपी को भेजी जाएगी। और बता दें आपको कि एसपी देहात कमलेश उपाध्याय आज ऋषिकेश कोतवाली पहुंचे और इस दौरान ही उन्होंने लंबित विवेचनाओं के संबंध में दरोगाओं से फीडबैक लिया और मौके पर लंबित विवेचना की लिस्ट देखकर एसपी नाराज भी हो गई। और आपको बताते चले कि एसपी ने जल्द बताया है कि जल्दी ही लंबित विवेचनाओं को निपटाने के निर्देश दरोगाओं को दिए जाएंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ संजय शर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। जी हाँ, ये कल एसपी देहात आई थी, उनको जब उनसे बात हुई तो काफी गुस्से में दिखी। उन्होंने एक बात कही कि इतने टाइम से जो मामले जिनमें जांच होनी है या जिनमें फाइनल रिपोर्ट लगनी है, एफआईआर लगनी है, वो आज तक क्यों नहीं लगी है, और जो लोग वांछित है उनको क्यों नहीं पकड़ा गया, या जो वारंटी है उनको क्यों नहीं पकड़ा गया। कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर वो काफी नाराज हुई। उन्होंने एक बात साफ स्पष्ट रूप से बोला कि अगर मुझे इस विषय पर जो मैंने बताए हैं, अगर आप लोग उस पर कुछ करके नहीं दिखाएंगे तो उसके खिलाफ विभाग की कार्रवाई भी हो सकती है। और साथ ही ये जो निर्देश है ये ऊपर से आ रखे हैं, जैसे कि कप्तान साहब से या डीआईजी साहब से आ रखे हैं, तो आपको ये जो जितने भी आपको दिए गए हैं इनमें आपको उन लोगों को पकड़ना है और उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो करनी है। साथ ही जो वांछित है उनकी चार्जशीट बना के लगाई जाए और साथ ही जो वंचित पड़े हैं उनको पकड़ पकड़ के लाया जाए। इस बात को लेकर काफी गुस्सा थी, और क्योंकि यहाँ पर बार बार कोतवाल बदल रहे थे तो उसी वजह से लेकर यहाँ पर थोड़ा सा जो जांच थी वो स्लो हो गई थी। जी संजय, जिस तरह से इसमें पूरे मामले पे ये भी जानकारी सामने आ रही है कि काफी समय से लंबित जो रहे हैं विवेचनाओं उसको जल्द निपटाने की भी एसपी ने निर्देश दिए हैं, तो कितने समय से अगर देखा जाए तो कितने समय से ये जो लंबित रहे हैं कार्यक्रम, इसको लेकर थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। लंबित मतलब है कि जैसे कि कभी एक साल पहले या दो साल पहले कोई केस हुए होंगे, जिन केसों में अभी तक विवेचना तो हो गई है लेकिन उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं लगी है, जो कोर्ट में लगनी होती है, जो पुलिस के हाथ से उसको बाहर करना है। जैसे कि कोई भी केस है वो जब तक पुलिस के हाथ में रहेगा तो उसमें विवेचना चलती रहती है, और जब विवेचना खत्म हो जाती है तो वो कोर्ट में चला जाता है। तो यही बात उन्होंने बताई है कि आप अपने पर वजन ना लें और जो भी है उसको अपने से आगे सरकाएं, उसको कोर्ट में भेजें। अब कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो कोर्ट देखेगी, आपको कम से कम अपनी तरफ से ये सब फाइनल करके भेजना चाहिए। जी संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। तो आपको ऋषिकेश खबर बता रहे थे, जहां पर बता दें आपको काफी लंबे समय से लंबित पड़ी विवेचनाओं को लेकर अब उसको निपटाने के लिए एसपी ने निर्देश दे दिए हैं। जोशीमठ भू दसाव मामले को लेकर सरकार और शासन स्तर पर लगातार महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं, और इसी के तहत पूर्व में ही राज्य सरकार ने 11 करोड़ जोशीमठ के पीड़ित लोगों के लिए जारी किए थे, और मौजूद समय में राज्य सरकार 45 करोड़ का गवर्नमेंट ऑर्डर जारी कर रही है, जिसमें जोशीमठ भू दसाव से प्रभावित परिवारों को 1.5 लाख रुपये दिए जाएंगे और 50,000 रुपये प्रभावितों को और रोजमर्रा के खर्चे के लिए दिए जाएंगे, और 1 लाख रुपए फौरी तौर पर आपदा के मद से ही जारी किए जा रहे हैं। आपदा सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया है कि 45 करोड़ का बजट राज्य सरकार आज जारी करने जा रही है, और ताकि टेम्परेरी बेस पर लोग अपना जीवन यापन कर सके। वही तो मैं कह रहा हूँ ना, लोगों से बात करेंगे। हमने आज दो समिति बनाने का भी हमने प्रस्ताव किया है, जैसे अनुमोदन होगा उसको हम जियो जारी कर देंगे। उसमें एक जनपद स्तर पर कमेटी बनाई जा रही है कमिश्नर की अध्यक्षता में, और ACS फाइनेंस की अध्यक्षता में एक शासन स्तर पर कमेटी बनाई जा रही है, जो कि समस्त स्टेक होल्डर से बात करेंगे और उसके बाद जो भी प्रस्ताव होगा समिति उसके अनुसार कार्रवाई होगी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस के अवसर पर दिनेशपुर खुदीराम बोस स्टेडियम के समक्ष स्वामी विवेकानंद जी का मूर्ति स्थापित की गई है, और इस दौरान ही नगर पंचायत सभासद हिमांशु सरकार ने कहा है कि सनातन धर्म का पूरे ही इसको लेकर विश्व में प्रचार करने वाला स्वामी विवेकानंद जी के पहले से ही नगर पंचायत के दौरान स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापित की गई है। युवा मोर्चा दिनेशपुर मंडल द्वारा एक आम बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें निर्णय लिया गया था कि
युवा दिवस 12 जनवरी 2023 को स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति की स्थापना की जानी है। इसी संबंध में हमारी मांग पर नगर पंचायत बोर्ड द्वारा इतना भव्य स्वामी जी की प्रतिमा का आज यहाँ पर अनावरण किया गया है। मैं नगर पंचायत के सभी सभासदों को, हमारे मुखिया चेयरपर्सन को मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। नंद जी की जयंती है 12 जनवरी, आज के दिन विवेकानंद का जन्म हुआ था। और ऐसे महान पुरुष जिन्होंने हमारा सनातन धर्म का पूरे भारत पर से नहीं, पूरे विदेशों में, पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने प्रचार किया, ऐसे हमारे परम महापुरुष आदरणीय विवेकानंद जी की जयंती में नगर पंचायत के सभासद सभासद और अध्यक्ष जी के द्वारा आज ये मूर्ति का अनावरण किया। तो दिनेशपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति स्थापित की गई है। काफी उत्साह लोगों में देखा गया और काफी भीड़ भी इकट्ठा हुई। बता दें, नगर पंचायत सभासद हिमांशु सरकार के द्वारा ये मूर्ति जो है स्थापित की गई है। और ये भी जानकारी सामने आई है कि यहाँ पर वहाँ पर मौजूद रहे हैं हिमांशु सरकार, वहाँ पर मौजूद रहे हैं, जिसके बाद फूल माला के साथ ही मूर्ति स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज आज ऋषिकेश पहुंचे। इस दौरान साधु संतों ने रेलवे रोड पर मौजूद आश्रम में साक्षी महाराज का भव्य स्वागत किया है। और मौके पर साक्षी महाराज ने कहा कि हिमालय क्षेत्र के जोशीमठ में भूदशाओं की वजह से जो आपदा आई है, उस आपदा में पीड़ितों के साथ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और केंद्र की मोदी सरकार के साथ खड़ी है। और साधु संत भी जोशीमठ में आई आपदा को टालने के लिए धार्मिक अनुष्ठान करने में लगे हैं। पीड़ितों को किसी प्रकार से ही घबराने की जरूरत नहीं है। और साक्षी महाराज ने कहा है कि जोशीमठ में आई आपदा के संबंध में उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है और कुछ सुझाव उन्होंने मुख्यमंत्री को दिए हैं। साक्षी महाराज का दावा है कि यदि मुख्यमंत्री ने उनके सुझाव पर अमल किया तो जोशीमठ ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार के छोटी मोटी आपदा को सरकार आसानी से निपट सकती है। आप खेल प्रेमी हैं, आप पहले कबड्डी भी बहुत खेला करते थे, तो अब उसको बढ़ावा देने के लिए आप अपने क्षेत्र के लोगों को? नहीं, हम अपने क्षेत्र में तो उसमें प्रयास कर ही रहे हैं और इसमें सरकार की भी, केंद्र सरकार भी मंशा है। आपको आश्चर्य होगा, मोदी जब क्लास लेते हैं तो क्लास में एक टॉपिक खेल का होता है, उसमें चाहे कबड्डी हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे कुछ भी हो, और वो सांसदों से कहते हैं इस खेल को बढ़ाइए, क्योंकि बड़ी बड़ी ऊर्जाएं देहात में, गांव में भरी पड़ी हैं, वहां से निकल करके यहां तक आएंगी। तो इसमें केंद्र सरकार बहुत चिंतित है, हमारे प्रदेश में भी, सारे देश में भी और हमारे जिला में भी इसमें काम अच्छा हो। तो आपको बता दें, कुछ सुझाव उन्होंने दिए मुख्यमंत्री को। और इसके साथ ही साक्षी महाराज का ये दावा भी है, यदि मुख्यमंत्री ने उनके सुझाव पर अमल किया तो जोशीमठ ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार की छोटी मोटी आपदा को सरकार आसानी से निपटा सकती है। उत्तराखंड घनिष्ठ सेवा चयन आयोग के बाद उत्तराखंड में एक बार फिर से ही 8 जनवरी रविवार को हुई पटवारी भर्ती में पेपर लीक होने का मामला सामने आते ही सियासत गर्मा गई है। और जिसको लेकर सरकारों पर निशाना साधते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की बहू और विधानसभा लैंसडाउन सीट से कांग्रेस की पूर्व प्रत्याशी रही अनुकृति गुसाई ने कहा है कि उत्तराखंड प्रदेश पूरे देश में हास्य का विषय बना हुआ है। और कहा कि पहले तो बड़ी मुश्किल से सालों में प्रदेश में रोजगार को लेकर परीक्षाएं देखने को मिलती हैं और उस पर प्रदेश में UK SSC से लेकर लोक सेवा आयोग के अंदर पटवारी लेखपाल परीक्षा तक ही मामले युवाओं का भरोसा अभी तक परीक्षाओं के ऊपर से खो रहे हैं। कहा कि उत्तराखंड में घोटालों की बाढ़ से युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं रह गया है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा है कि पहाड़ में महिलाएं तो क्या, अब पहाड़ भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। उन्होंने कहा कि पटवारी परीक्षा में भाग लेने वाले 1,14,000 अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है, जो कि उत्तराखंड के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो पौड़ी से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की पूर्व में प्रत्याशी रही अनुकृति गोसाई ने बयान दिया है। कहा है कि सरकार उत्तराखंड के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। तो आपको पौड़ी से खबर बता रहे हैं, जहां पर जानकारी सामने आई है, बताया जा रहा है कि इसको लेकर उन्होंने बयान दिया है। और इसके साथ ये भी बता दें आपको कि
पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की बहू और विधानसभा लैंसडाउन सीट से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी रही अनुकृति गोसाई ने यह कहा है, उत्तराखंड प्रदेश पूरे देश में हादसे का विषय बना हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि पहले तो बड़ी मुश्किल से सालों में प्रदेश में रोजगार को लेकर परीक्षाएं देखने को मिलती हैं और उस पर प्रदेश में यूके ट्रिपल एससी से लेकर लोक सेवा आयोग के अंदर पटवारी लेखपाल परीक्षा तक के मामले युवाओं का भरोसा अभी परीक्षाओं के ऊपर से खो रहे हैं और कहा कि उत्तराखंड में घोटालों की बाढ़ से युवाओं का भविष्य सुरक्षित नहीं रह गया है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा है कि पहाड़ों में महिलाएं तो क्या अब पहाड़ भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। उन्होंने कहा है कि पटवारी परीक्षा में भाग लेने वाले 114,000 अभ्यर्थियों का भविष्य अब अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है, जो कि उत्तराखंड के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है। फिलहाल अपने उत्तराखंड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।